अब मैं बिहार और झारखंड दोनों प्रधानमंत्री जी की दो आंखें हैं और दोनों आंखों को न प्रधानमंत्री जी मूंद सकते हैं न प्रधानमंत्री जी खराब होने का मौका दे सकते हैं और इसीलिए उस संदर्भ में बिहार और झारखंड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग सबको एक विदित है इस झारखंड को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेरणा से ये झारखंड बना था। हमारा नारा है हमने बनाया है और हम ही गढ़ेंगे बर्बाद नहीं होने देंगे। छत्तीसगढ़ और झारखंड दो राज्य बने थे बगल में छत्तीसगढ़ 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही छत्तीसगढ़ एक विकसित प्रदेश बन गया। 5 साल कांग्रेस रही निचोड़ के उसको छत्तीसगढ़ को फेंक दिया और अभी हम वापस छत्तीसगढ़ में सत्ता में आए पिछले साल और छत्तीसगढ़ में क्या क्या हुआ है 36 वार किए थे वहां पे कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता पे उसी तरह से यहां पे ये घमंडियों की जो सरकार है लेड बाय अपना नाम रखते हैं ये लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा लेकिन एक्चुअली इनका नाम है जेएमएम मतलब जमीन मारो मोर्चा। ये जमीन मारो मोर्चा के जो सरदार हैं आज जेल में हैं और सोचते हैं कि इनको सहानुभूति मिलेगी लेकिन भ्रष्टाचार से जनित किसी नेता को इस देश ने सहानुभूति नहीं दी है और इनको भी ना मिलने वाला है। क्या दोष है भाई झारखंड की जनता का दोष क्या है कि उसने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को यह सोच के चुना कि वो आदिवासियों के हितों की रक्षा करेगा और वही मुख्यमंत्री आदिवासियों की जमीन कब्जा कर लेगा। अपने सुविधा अनुसार आदिवासियों की जमीन कैप्चर करके आप बैठे हुए हैं 8.5 एकड़ 9 एकड़ तो एक जमीन का मसला आया है ईडी के सामने। ऐसे न जाने कितने प्लॉट्स हैं भाई साहब पूरे झारखंड में। आज की तारीख में पिंटू नाम का जो सरकारी गवाह बना अभिषेक ही प्रसाद है ना उनकी जान के पीछे लोग पड़ गए हैं। मतलब कोई आपके बारे में आज जबकि वो पिंटू बचपन का दोस्त है तो जो आदमी बचपन के दोस्त को ना छोड़े वो इस राज्य को छोड़ेगा। इस राज्य को बनाने के लिए लोगों की बहुत कुर्बानी गई लोगों का खून गया लोगों की जाने गई लेकिन इस राज्य को न बनने देने के पीछे भी सन 2000 में ये राज्य बना बन तो जाना चाहिए था 90 में लेकिन इस राज्य का राजनीतिक सौदा लगातार इस जमीन मारो मोर्चा के संस्थापक शिबु सोरेन द्वारा भी की गई लालू यादव के साथ मिलकर इस राज्य की संस्थापना में देर की गई। आपको याद होगा 1992 में वो कैश फॉर वोट वाला अपने अकाउंट में इन्होंने चोरी के पैसे लिए थे। भ्रष्टाचार और इनका इतिहास एक साथ जाता है। अपने अकाउंट में चोरी के पैसे लिए लगातार चोरी करते रहे। लालू यादव ने तो यह तक कहा था कि झारखंड मेरी लाश पे बनेगा। अगर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते दोस्तों तो आज ये झारखंड बनता ही नहीं। और आज मोदी जी ने कहा है हमने बनाया है हम ही गढ़ेंगे। हम गढ़ते हैं इसलिए हम दिल में बसते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी दिल में आज इसलिए बसते हैं क्योंकि वो गढ़ते हैं राज्यों को इस देश को वो गढ़ रहे हैं और झारखंड इस प्रायोरिटी में सबसे पहला है। आप ये सोचिए झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश इन तमाम राज्यों की आकांक्षाओं को देखते हुए आज एक आदिवासी महिला हमारी राष्ट्रपति बनी। कोई सोचता था कि एक आदिवासी हमारा राष्ट्रपति कभी बन सकता है? उसके पहले रामनाथ कोविंद जी एक अनुसूचित जाति से आने वाले हमारे राष्ट्रपति बने। इस देश के पॉलिटिकल डायमेंशन जो राजनीतिक दृष्टिकोण से भूकंप अगर लाने का कोई काम करता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं कि समाज के सबसे पिछले तबके के बैठा हुआ आदमी वो आगे आके एड्रेस कर सके। बाबूलाल मरांडी जी इस प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने उनका वो कार्यकाल आज तक झारखंड वासियों को भूलता नहीं।
अर्जुन मुंडा का कार्यकाल है, रघुवर दास जी का कार्यकाल है, इस झारखंड प्रदेश ने हमेशा समृद्धि देखी है। आज जो रास्ता आप देख रहे हैं, चाहे यहां से नेतरहाट का हो, यहां से लोहरदगा का हो, नक्सल इंफेस्टेड एरियाज का हो, यहां से छत्तीसगढ़ जाने का हो, वो रास्तों को देखिए और वो देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में क्या होता है। क्योंकि हम जमीन मारो मोर्चा नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है, जमीन मारो मोर्चा है। और जमीन भी किसकी? तो आदिवासियों की। SAR कोर्ट बनाया, कहने को आदिवासियों के लिए स्पेशल रेगुलेशन कोर्ट बना के अपने अधिकारियों की नियुक्ति करवा के उस कोर्ट से अपने ही मामले में फैसला करवाते हैं। अद्भुत है भाई। और आज कहते हैं कि केंद्र सरकार तंग कर रही है, आप चोरी करेंगे, आप भ्रष्टाचार करेंगे, 100-100 करोड़, 200-200 करोड़, 300-300 करोड़। जो झारखंड में आदिवासी आज तक जीवन में एक साथ जिसने 10,000 रुपए नहीं देखा, उसके जेब पे डाका डाल के आप 500-500 करोड़, 5,000 करोड़ कमा रहे हैं। झारखंड की खनिज संपदा का हनन, झारखंड की जमीन का हनन कब तक सहेगा? ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। चुनाव के पहले भी हम लोग ने काफी आंदोलन इनके खिलाफ किए हैं कि जमीन मारो मोर्चा पार्टी का अंत होना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी इसकी जननी है, इनको संरक्षण देती है, क्योंकि हिस्सा वहां भी जाता है। अभी रेड हुए, 350 करोड़ रुपया कैश। मीडिया के मित्रों, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने 1 करोड़ कैश एक साथ देखा होगा। 350 करोड़, सोचिए इस कमरे में कितना कैश हो जाएगा। अब तो 2,000 का नोट भी बंद हो गया, खाली 500 का नोट। कितना कैश, किलो में तौलिएगा तो लगभग 500 किलो हो जाएगा, तौल तौल के। कहां से आता है भाई? कुबेर का वर्षा सिर्फ जमीन मारो मोर्चा और कांग्रेस पार्टी पे क्यों होती है? देश की जनता पे क्यों नहीं होती? और इन पे कोई सवाल करे तो ये कहेंगे केंद्र सरकार परेशान कर रही है। ना, आपके कर्म आपको परेशान कर रहे हैं भाई साहब, और आपके कर्म ये जनता देख रही है, जनता ही आपको जवाब देगी, इस चुनाव में जवाब देगी, आने वाले विधानसभा चुनाव में जवाब देगी। और बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में झारखंड में वापस से पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें ना कोई शक है ना शुभ है। क्योंकि जमीन मारो मोर्चा को अब झारखंड बर्दाश्त नहीं करेगा, अब कोई सहानुभूति नहीं मिलने वाली। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मुद्दा यह था कि हम लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं इस नारे के साथ, झारखंड के लिए हमने बनाया है, हम ही गढ़ेंगे। वाजपेयी जी ने बनाया है, मोदी जी गढ़ेंगे, बाबूलाल जी आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा नारा झारखंड के लिए है। और झारखंड के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी, झारखंड एक आंख अपनी मानते हैं, उस पर मूंद नहीं सकते हैं। यहां जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच चल रहा है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी आंखें मूंदेंगे नहीं। कोई आलोचना की परवाह नहीं है, एक भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, कोई कार्रवाई नहीं रुकेगी, चुनाव के बाद भी कार्रवाई चलती रहेगी। और जितने भ्रष्टाचारी हैं वो जान जाए कि जनता का एक एक पैसा या तो खुद लौटा दें, नहीं तो सरकार वसूल लेगी और आपकी जिंदगी बीतेगी जेल के बीच। ये धमकी नहीं है, ये कहीं से धमकी नहीं है, ये जनता की आवाज है। हम अपना फर्ज एक विपक्षी पार्टी की तरफ पूरा करेंगे और इस चुनाव में 14 की 14 सीटें झारखंड से NDA जीतेगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में झारखंड में 14 की 14, बिहार में 40 की 40 हम जीतेंगे, इसमें ना कोई शक है ना कोई शुभा है। और जनता चाहती कि मोदी जी वापस से आए और इस देश को भी गढ़ें और झारखंड को भी गढ़ें। मित्रों, ये हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पे हो रहा है, आने वाले 3-4 दिन, आने वाले 3-4 दिनों के अंदर हमारा मीडिया सेंटर का इनॉग्रेशन होगा, बाबूलाल जी उसको इनॉग्रेट करेंगे, हमारे प्रभारी भी रहेंगे। और भविष्य में चुनाव तक हमारी तमाम प्रेस वार्ताएं और हमारी तमाम मीडिया इंटरेक्शन हम लोग अपने मीडिया सेंटर से करेंगे, और मीडिया सेंटर की अधिकृत जानकारी हमारे सह प्रभारी जी आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैंने क्या कहा कि 350 करोड़ रुपया किसी के यहाँ अगर चोरी का मिले, सर आपने कहा कि आदिवासियों ने जिन गरीब आदिवासियों के गरीब आदिवासियों की हम बात कर रहे हैं, जिन गरीब आदिवासियों झारखंड के उन गरीब आदिवासियों की बात कर रहे हैं जो अपना जीवन यापन के लिए दिन भर रोजगार दिन भर मजदूरी करने के लिए विवश है, उनके कॉस्ट पे आप किसी की जमीन हड़पिएगा? मैंने उनका अपमान नहीं है, ये अपमान वो लोग कर रहे हैं, जमीन मारो मोर्चा पार्टी के लोग कर रहे हैं। आप ये बताइए 350 करोड़ देखा है आपने? 350 करोड़ कहां से निकल जाते हैं कांग्रेस में? मुझे तो नहीं देखा, मैंने किसी बीजेपी ने तो नहीं देखा। हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं, कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास 350 करोड़ मिले हैं क्या? कभी मिले हैं? मैं एक ही आधार कह रहा हूँ कि इन्होंने हेमंत बिश्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं आसाम के, उनका भी नाम लिया था। हेमंत बिश्वा शर्मा ने कल उन पे मुकदमा दायर किया, लीगल नोटिस भेजा है कि आप पे मैं मानहानि का मुकदमा कर रहा हूँ, या तो 15 दिन के अंदर माफी मांगिए और नहीं तो 100 करोड़ का मुकदमा झेलिए। और जहाँ जवाब देगी इंडियन एक्सप्रेस, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस पे ही मुकदमा किया कि आपके यहाँ फर्जी आर्टिकल चला। और मैं बता रहा हूँ, आप अशोक चौहान की बात कर रहे हैं, अशोक चौहान की सारी प्रोसीडिंग्स पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। बिना तथ्य जाने एक जनता को झूठ पड़ोसने का नैरेटिव आप चला रहे हैं और इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रतिष्ठित अखबार उसको छाप रहे हैं। इसको नैरेटिव देखेंगे तो क्या कहिए? और नाम लेते हैं, मैं लगातार नाम लेता हूँ, अरे मैं लगातार नाम लेते जाता हूँ। अजीत पवार जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, दो दो केस में क्लीन चिट, केस क्लोजर, इकोनॉमिक ऑफेंसिंग महाराष्ट्र ने उनके खिलाफ खुद किया था जब वो सरकार में थे। आज भी ईडी की एक जांच चल रही है, उस जांच को तो हमने ड्रॉप नहीं किया, ना ही क्लोजर किया। आप नहीं, यही नहीं, आप बात समझिए, एनडीए में एक बात स्पष्ट है, अगर आपके खिलाफ किसी जांच एजेंसी का अरेस्ट वारंट निकलता है या किसी भी अदालत से आपके खिलाफ समन निकलेगा, उसी वक्त से वो आदमी एनडीए या बीजेपी का हिस्सा नहीं रहेगा। अगर हमारे पार्टी का भी कोई मेंबर भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए, हम उसको संरक्षण नहीं देते हैं, हम ना बचाते हैं। आपको लगता है बीजेपी में किसी पर सम्मान क्यों नहीं करेंगे? कल ही ज्यादा दूर नहीं जाना है, छत्तीसगढ़ जाइए बगल में, कल ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता पे ईडी ने रेड किए। अलग बात है वो पिछले चुनाव में कांग्रेस से ज्वाइन कर लिए थे बीजेपी ने, लेकिन ईडी ने कल ही उन पर रेड किए। कांग्रेस आए थे, बीजेपी ज्वाइन करिए, लेकिन हमारे यहाँ भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस, जो प्रधानमंत्री की नीति है, ना बचाया है ना बचाएंगे, ना खाया है ना खाने देंगे। मुकदमा अगर एक मिनट, बिल्कुल टिकट क्यों दिए, जवाब देते हैं आपको, आप एक आरोप को साफ, अरे आप सुनिए ना, सुनिए तो सही, हाँ तो आप तो सवाल ही पूछते जा रहे, सुनेंगे ही नहीं, आप सुन लीजिए, एक भी आरोप जिस दिन साबित हो जाएगा ना, हमने नहीं भेजा, एजेंसी ने भेजा है, हमने जेल नहीं भेजा, रहे भाई हमने जेल अदालत ने भेजा जुडिशियल कस्टडी में, भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई भाई? भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट, अब आप मुझसे यहाँ बहस करने नहीं आए ना, मैं जवाब आपके से नहीं आया हूँ, मैं जवाब देने, मुझे जवाब देने दीजिए, मैं आपसे बहस करने के लिए नहीं हुआ यहाँ। डुल्लू महतो पे जितने भी आरोप हैं, अगर उनको न्यायालय दोषी पाती है, अगर न्यायालय उनकी जमानत कैंसिल करती है, तो न्यायालय को काम करने दीजिए ना, जुडिशियल प्रोसेस में है, कोर्ट में है, तो हमारा फैसला करने वाले कौन होते हैं? ए सर, कितना सवाल पूछिएगा, आप ही पूछे जा रहे हैं, कहां से सजा हो भाई? सरयू राय जो बोलेंगे वो ब्रह्मलीक हो गया क्या? सरयू राय जो बोलेंगे वो ब्रह्मलीक हो गया, नहीं ना, सरयू राय बोलने का ब्रह्मलीक नहीं ना होता है, अदालत ब्रह्मलीक होती है, और अदालत तक सबको इंतजार करना चाहिए। आगे कोई सवाल हो तो बताइए, धन्यवाद।